बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूबर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको कोटी की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है। सबसे पहले इसकी कटिंग करूंगी। इसकी कोटी की लेंथ मैं लूंगी 13 इंच, और इसमें 1.5 इंच सीविंग अलाउंस रखूंगी। 14.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इस लाइन को सीधा करेंगे। बस जो शोल्डर का साइज है ये 12.5 इंच या 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे। 7.25 इंच पे निशान आएगा। यहाँ से भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी 7 इंच पे। मेरे पास जो चेस्ट का साइज है ये 16 इंच है, ये क्योंकि ये मैं बच्ची की फ्रॉक के साथ ये कोटी बना रही हूँ, आजकल ये बहुत ज़्यादा फैशन में है। यहाँ से 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे। यहाँ से भी 16 इंच ही रखेंगे। यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये 1/2 इंच ये सिलाई में भी जाएगा तो 3.5 इंच हो जाएगा। यहाँ से शोल्डर का स्लोप ले रहे हैं 1/2 इंच। अब इसकी कटिंग करेंगे। व्यूअर्स ये देखें, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो फ्रंट का ये ऊपर से ये 3 इंच लेंगे, और यहाँ से ये 2 इंच लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखें, फ्रंट की मैंने ये कटिंग कंप्लीट कर ली, और बैक की भी कटिंग हो गई है। ये अस्तर की कटिंग है। व्यूअर्स ये देखें, ये फ्रंट बैक की मैंने कटिंग करने के बाद इसके साथ मैंने रख के बिल्कुल इसके बराबर इस अस्तर की भी कटिंग कर ली है। अब इसके जो है शोल्डर की जो है शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। ये देखें, अस्तर के शोल्डर को इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। अब व्यूअर्स ये देखें, कोटी की कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, और पहले मैंने अस्तर की कटिंग की और फिर इसकी मैंने कटिंग की बिल्कुल सेम बराबर रख के। अब सबसे पहले इसको शोल्डर को ज्वाइंट करूंगी, अस्तर के शोल्डर को, फिर कोटी को ज्वाइंट करके, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखें, मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब बैक के गले की 2.5 इंच मैंने रखा था इसकी चौड़ाई, और इसको डीप भी 2.5 इंच ही रखूंगी। इसकी राउंड में कटिंग कर लूंगी। अब ये इसके साथ अस्तर को ज्वाइंट करेंगे। देखें, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, ये पूरा सी लेंगे राउंड में, और इसकी साइडें भी बंद कर लेंगे। यहाँ से ये पूरा इसकी आर्म होल की सिलाई भी करेंगे। मशीन पे चल के दिखाती हूँ। अभी बस ये देखें, ये स्टिच करने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ तक इसको मैंने राउंड में सिया है। फिर ये पूरा इस साइड से सी लिया, और इस साइड से भी सी के इसको पलट के मैंने सीधा किया, और इसको मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसकी साइडें बंद करेंगे, साइडें बंद करके और नीचे से तुरपाई करें।
प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। और ये देखिए मैंने एक फैब्रिक लिया है और इसको फोल्ड करके इसके सेंटर में मैंने एक कट लगा लिया है। अब इसमें 1.5 इंच की प्लेटें डालेंगे। ये मैं 10 साल की बच्ची की फ्रॉक स्टिच कर रही हूँ। पिन अप करेंगे। बस ये देखें, ये मैंने बॉक्स प्लेटें डाली हैं इसमें। और ये मैंने लिनन के कपड़े पे, मेरे पास एक शर्ट का पीस पड़ा हुआ था तो इससे मैंने आपको सिखाने के लिए इस पर बना दिया। अगर आप शिफॉन के कपड़े पे अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छी फॉल आएगी और फ्रॉक भी बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं ऊपर उसके योक की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं ऊपर बॉडी की कटिंग करूँगी और ये इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है। इसकी कमर का साइज मैं 15 इंच रखूंगी क्योंकि ये बच्ची है और अगर बड़ों में भी स्टिच करें तो ज़्यादा फिटिंग में स्टिच नहीं करें क्योंकि फ्रॉकें जो होती हैं वो लूज ही अच्छी लगती हैं लूज फिटिंग में। अब सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। मेरे पास शोल्डर का जो आ रहा है साइज वो 12.5 इंच पे है, यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे और 1/2 इंच सीमिंग अलाउंस लेंगे तो ये 7.25 आ रहा है और आर्म होल की लेंथ भी 7.25 ही रखेंगे। चेस्ट का साइज 16 इंच है और 1.5 इंच सीविंग अलाउंस रखेंगे। ये फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 7.25 इंच पे निशान लगा के इसको सीधा करेंगे। बच्चों में फ्रंट की कटिंग नहीं होती लेकिन अगर आपको करनी हो तो तकरीबन आप 1/2 इंच पे इसकी कटिंग कर लें। व्यूअर्स इसमें मैं टाई वाला गला बनाऊंगी तो इसको जो है मैं 3 इंच रखूँ, 3.25 इंच इस पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर का स्लोप लूंगी। अब इसकी कटिंग करेंगे। व्यूअर्स ये देखिए फ्रंट और बैक की मैंने कटिंग कर ली है, इसमें टाई लगानी है। अब नेक की कटिंग करके आपको मैं दिखाती हूँ। अब नेक की कटिंग करेंगे, 1/2 इंच पे लिया है क्योंकि इसमें टाई लगेगी और यहाँ पे ये 1.5 इंच ऊपर करेंगे इसको तो ये आ रहा है तकरीबन ये 4.25 इंच पे। अब यहाँ से भी 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे, यहाँ से वी शेप देंगे। ये वी शेप के लिए मैंने तकरीबन यहाँ से 1/4 इंच लिया है। अब ये बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग के लिए देखें यहाँ से मैंने 1/4 इंच निशान लगाया है और हल्का सा बे शेप में कटिंग कर देंगे। व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने एक बुकरम काट के और उसके कपड़ा प्रेस किया और फिर ये गला कल्टी कर लिए जो छोटा सा नीचे वी है। शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिए, साइडें भी बंद कर ली हैं। अब ये देखें मेरे पास जो इसके ये बैक का सेंटर करके नापेंगे तो ये तकरीबन 18 इंच आ रहा है। अब इस पे मैं टाई लगाऊंगी। टाई लगाने के लिए आपके पास जितना भी लंबा कपड़ा हो, अगर कपड़ा छोटा है तो आप बीच में जोड़ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से 18 इंच लेंगे। और इसको यहाँ से हल्की हल्की शेप दे देंगे। अब इसकी व्यूअर्स ये देखें, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे निशान लगाएंगे और ये 9 इंच पे निशान लगाएंगे।
अभी यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों साइडों से स्टिच कर लेंगे और फिर उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। स्टिचिंग करके और फिर इसको सीधा कर लिया है, अब इसकी मैं सिलाई करूँगी। यहाँ सेंटर से सेंटर में लाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। वीवर्स ये मैंने टाई स्टिच कर ली है और ये अंदर की साइड पे मैंने इसकी तुरपाई की है। अगर आप चाहें तो सिलाई करें, तुरपाई करें, आपकी मर्जी है। इसकी बॉडी को नीचे ज्वाइंट करूँगी, ऐसे स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। वीवर्स ये देखें, ये साइडें भी मैंने बंद कर ली हैं। अब इसकी आस्तीनें ज्वाइंट करेंगे और आस्तीन पे मैं कफ लगाऊंगी। ये देखें, ये तकरीबन ये 1.25 इंच की है, मैंने स्ट्रिप काटी है और इस पे कपड़े पे मैंने प्रेस कर ली है। मैं आपको मशीन पे चल के दिखाती हूँ। ये आस्तीन पे चुनट डालनी है, मशीन का टांका बड़ा कर लेंगे और इस पे सिलाई करके फिर चुनट डालेंगे। ये देखें, एक मैंने सिलाई लगा ली है और अब इसमें चुनट डालेंगे। अब ये देखें, इस पे मैंने चुनट डाल ली है। कफ के ऊपर लेस लगाएंगे। ये इस पे लेस ज्वाइंट कर ली है मैंने, सी ली है। और ये आस्तीन की उल्टी साइड लेंगे, कफ की सीधी साइड लेके अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। वीवर्स ये देखें, मैंने इसकी आस्तीनें भी ज्वाइंट कर ली हैं और स्टिच होने के बाद इसका कंप्लीट लुक देखें। वीवर्स ये देखें, प्लेटेड कुर्ती और इसके साथ मैंने कोटी स्टिच की है टाई वाले नेक के साथ, इसकी कंप्लीट लुक देखें। वीवर्स ये देखें, फ्रंट पे मैंने बॉक्स प्लेट डाली है और बैक साइड पे भी, और इसके साथ मैंने कोटी स्टिच की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको एंड तक वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।